अब एक्शन की अगर मैं बात करूं तो बस बेसिक एक्शन जो हैं इनको हमें करने के लिए अपने को बाध्य करना पड़ेगा। मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी करना पड़ेगा कि हमको वही करना है जो हमको अच्छा नहीं लगता, और हमें उन्हीं लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते। कितने लोगों को ये लाइन याद है? ये मंत्र है इस बिजनेस का, हमें वही करना है जो करना हमें अच्छा नहीं लगता। देखो हम सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग सारे नौकरी वोकरी वाले लोग हैं। नौकरी इतनी आसान क्यों है? सारे लोग ज़्यादातर नौकरी में क्यों चले जाते हैं? धंधा बिजनेस और ये व्यापार और सेल का काम क्यों नहीं करते? मैं आपको एक कारण बताता हूँ। आज अगर एक मास्टरनी स्कूल गई है, कोई भी सरकारी या प्राइवेट, तो क्या वो उन लोगों के बीच में गई है जिनको वो जानती नहीं है, या उन लोगों के बीच में गई है जिनको 20 साल से जानती है? उन्हीं लोगों के बीच में गई है प्रभु जिनको 20 सालों से जानती है, सही है? और उन्हीं बच्चों की क्लास पढ़ा रही है जिनको नर्सरी में पढ़ाया था, केजी में पढ़ाया था, पहली में पढ़ाया, दूसरी में पढ़ाया। हो सकता है 10-5 नए आ गए हों, लेकिन मैक्सिमम चेहरे उसके जानने वाले पहचानने वाले पुराने हैं, सही है? एक नौकरी में क्लर्क जो है वो आज ऑफिस में किन लोगों के सामने गया है? वो उन लोगों के सामने गया है जिनको ऑलरेडी जानता है, या उन लोगों के सामने गया है जिनको नहीं जानता है? जिनको जानता है उनके सामने गया है ना। एक थाने में सिपाही किन के सामने गया है? जिनको जानता है उसके सामने गया है, या जिनको नहीं जानता है उनके सामने गया है? जानता है उनके सामने गया है। एक बाल काटने वाला आदमी उस आदमी के बाल काट रहा है दिन भर जिनको पहले से जानता है, या उनके बाल काट रहा है जिनको आज से पहले बिल्कुल नहीं जानता है? ज्यादातर लोगों के वही के बाल काट रहा है जिनको पहले से वो जानता है। जब हम पहले से किया हुआ काम बार बार करते हैं तो हम उस काम को करने के आदि हो जाते हैं। पहली बात, उसमें हमको डर नहीं लगता, चैलेंज नहीं लगता, दिक्कत नहीं लगती, परेशानी नहीं होती, इसलिए नौकरी करना आसान होता है। दूसरी बात यह है कि वो जो मास्टरनी आज गई है स्कूल, क्या वो आज कुछ ऐसा पढ़ाएगी जो उसने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ाया, या वही पढ़ाएगी जो वो जीवन भर से पढ़ाती आ रही है? आवाज नहीं आई। आज जो क्लर्क ऑफिस गया है, आज वो ऑफिस में कुछ ऐसा करेगा जो उसने जिंदगी भर नहीं किया है, या वही का वही जो जानता है वही करेगा? वो जो जानता है वही करेगा। आज बाल काटने वाला जो आया है दुकान पर, आज वो वही स्टाइल से बाल काटेगा जैसे 20 साल से काटता आ रहा है, या आज कुछ नई स्टाइल बनाएगा? वही स्टाइल बनाएगा। तो दो काम आदमी से मत करवाओ कभी भी, वो हमेशा कंफर्टेबल है। एक, नए लोगों से मत मिलवाओ रोज रोज, वो कंफर्टेबल रहेगा, और नया काम सीखने के लिए मजबूर मत करो, वही काम करवाओ जो वो करता चला आ रहा है। इसमें वो जिंदगी भर घिसवाता रहेगा, कम पैसा में लगा रहेगा, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। ये आम आदमी की मजबूरी है। अब सुनना बड़े आदमियों के काम, नेता हमेशा नए आदमी से मिलता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। एक्टर हमेशा नए आदमी से मिलता है कि नहीं? पिछली पिक्चर में जो एक्टिंग करी थी, नई पिक्चर में नई स्टाइल की एक्टिंग करता है कि नहीं? नए गाने पे एक्शन लेता है कि नहीं? नए तरीके का डांस सीखता है कि नहीं? जितने लोग नए नए लोगों से मिलते हैं और नया नया एक्शन लेते हैं, वो लोग पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं दुनिया में। इसमें पैसा नहीं मिलते, मजदूरी होती है। 10-20 हजार, 50 हजार में ही काम निपट जाता है। इसमें कोई ज्यादा स्कोप नहीं है पैसा कमाने का, स्कोप है नए लोगों से मिलना। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री रोज पर्चा निकालते हैं, ये उन्हीं लोगों का पर्चा निकालते हैं जो हर बार निकाल चुके हैं, या हमेशा नई पब्लिक का पर्चा निकालते हैं? थोड़े दिन पहले चलते थे फॉर्चूनर में, आजकल कहीं भी बिना हेलीकॉप्टर के नहीं जा रहे, देख लेना वीडियो। समझ में आ रहा है? हर एक्टर रोज नया काम कर रहा है, नए एक्शन ले रहा है, नई चीजें सीख रहा है, नए तरीके का डांस हर पिक्चर में नया आ रहा है। सेम काम करे, सेम डांस करे, सेम गाना गाए, सेम एक्शन करे, नए एक्शन ना सीखे, कोई भी जाएगा तुम में से पिक्चर देखने के लिए? नया काम करने वाले, नए लोगों से मिलने वाले लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, सेम लोगों से मिलने वाले और सेम काम करने वाले धेला कमाते हैं। तो हमको किस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को? आवाज नहीं आ रही है। कितने लोग मानते हैं ये दूसरा कारण है हमारा फील्ड में ना जाना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? नए लोगों से मिलना पड़ता है।
सेम ऑफिस में भेज दो, सेम थाने में भेज दो, सेम स्कूल में भेज दो, सेम घर में भेज दो, सेम जगह भेज दो, लेकिन नई जगह भेजोगे तो घबरा जाएंगे, नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, परेशान हो जाएंगे, दिक्कत होने लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग इस बिजनेस में सेट नहीं हो पाते। लेकिन आपको आज पता चल गया है, नया पैसा, ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग अलग तरीके का काम करते हैं, नए लोगों से मुलाकात करते हैं। बोलो आप, समझ में आ रहा है? किन किन प्रोफेशन में पैसा है वो सारे प्रोफेशन आप देख लो। जिस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है उस प्रोफेशन में काम हमेशा नया करना पड़ेगा। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, एप्पल जो कंपनी है, मैं तो एप्पल का दीवाना हूँ, पूरा इकोसिस्टम एप्पल का है मेरे पास, और आज से नहीं है, करीब 10-12 सालों से, 2014 से, 13 में मैंने पहली बार फ़ोन लिया था, अब 24 आ गई, 10-11 साल से सेम कंपनी में सेम प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। एप्पल में इनोवेशन क्या है? एप्पल में इनोवेशन है कि एप्पल कभी भी किसी की कॉपी नहीं करेगा, और जो भी लाएगा वो यूनिक लाएगा, और उसकी यूनिकनेस की वजह से उसका सामान हाथों हाथ बिकता है, ब्लैक में बिकता है। जिस दिन फ़ोन लॉन्च होता है पहले हफ्ते में तो हमको जैक लगानी पड़ती है सेम पैसा में फ़ोन लेने के लिए। मैं आपको बता रहा, कई बार तो 5,000 ज़्यादा देने पड़े हैं मेरे को। क्यों क्यों? अगर सेम काम करे, सेम ही सब कुछ दे, कोई इनोवेशन ना करे, कोई कुत्ता पूछेगा एप्पल को? बताओ आप। तो कितने लोग बोलते हैं बड़ा पैसा कमाने का मंत्र पता चल गया है? क्या नए लोगों से मिलना पड़ेगा, हमेशा नई तैयारी, नई बातें नए तरीके से करनी पड़ेंगी। सेम बातें हैं हमारी, बात तो वही करनी है, लेकिन नए लोगों से बार बार अंदाज बदल के हमको बातें करनी पड़ेंगी। तो टेक एक्शन, डू बेसिक्स, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, यही सब करनी पड़ती है, आपको पता ही है। और इसको करना क्यों है, इस पिक्चर से समझने की कोशिश करिए कि पहले वाले नीले पिक्चर में देखिए, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, एसटीपी, क्लोजिंग और ये सब है, 5 काम है। अगर इसका सर्कल धीरे धीरे घुमाएं, पेंसिल देख को इस पर चलाने की कोशिश करो दूसरे वाले पर, अगर हम ये धीरे धीरे घुमाएं और जितनी ये चक्री बनी है यहीं ला के छोड़ दें और फिर ना घुमाएं। कितने लोग बोलते हैं कुछ पैसा नहीं बनेंगे, बकवास हो जाएगा काम, धंधे से निकलना पड़ेगा। यही हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है आपने किया नहीं है।